The greatest natural disaster in Japan. क्या आपको पता है 1 सितंबर 1923 को जापान में दिल दहला देने वाला प्रकृति का एक ऐसा खेल हुआ था जिसने जापान के टोक्यो और योकोहामा शहर को जलाकर राख कर दिया था। 1 सितंबर 1923 को जापान में बहुत तीव्रता के साथ एक भूकंप आया था जिसे ग्रेट कांटो भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को जापान में सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, जिसमें भूकंप के झटकों के कारण तबाही के बाद 40 फीट ऊंची सुनामी आई थी जिसने हजारों लोगों को बहाकर मौत के घाट उतार दिया। और यह नेचुरल डिजास्टर यहीं खत्म नहीं हुआ, इसके बाद 300 फीट ऊंचे आग के बवंडर ने टोक्यो और योकोहामा शहर के लकड़ी से बने घरों और लोगों को जलाकर राख कर दिया था। देखते ही देखते मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर 35,000 लोगों की इस आग के बवंडर में जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जापान में इस आग के बवंडर को ड्रैगन ट्विस्ट के नाम से जाना जाने लगा।